हाँ चोर लगा दिला है का करे थे बिना आदत के पानी बदल का बहुत सर्दी आम रहा हो गए चलो देख 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 पानी लेके आई पानी लेके आकांक्षा भाग देख अभी आकांक्षा नहीं खेल पाई ढंग से फक्की सड़क गिरा लड़कन चल माही नहीं गिरे सूरज पगलिया लोग मुझे भूत बना दिया अभी होली लोगों की नहीं हुई कल से पगला रही है हेलो मुंह बड़ा ही लाग जाए धुला है हेलो नमस्ते जय माता दी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक भी करें आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ आप सभी लाइक भी कर दिया कीजिए मैं आप सभी को याद दिला रही हूँ और कल के व्लॉग का जब मैंने एंड किया था तो मैंने सोचा अब मैं या बच्चा पार्टी होली खेलने वाली या बच्चा पार्टी और आज का जो मेरा व्लॉग है ना ये व्लॉग मुझे मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है आप सबके लिए भी स्पेशल है आप सबको जो मेन मोमेंट है इस व्लॉग का अभी मैं आप सभी को दिखा दी चलूँगी अभी तो होली ही चल रही है कल का जब मैंने व्लॉग एंड किया था तो मुझे लगा अब मैं व्लॉग आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ होली के व्लॉग का अब मैं नहीं शूट करूँगी लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे शूट करना पड़ा क्योंकि भाभी लोग थी फिर भाभी मुझे बुलाने लगी दीदी क्या कर रही है अभी होली खेलना है सामने वाली बड़ी मम्मी की बहू मतलब वो भी मेरी भाभी है दीदी क्या कर रही है अभी होली खेलना है होली खेलना है मुझे लगा मैं अभी नहाई नहीं हूँ एक बार नहा लूँगी तो फिर ये लोग मेरे कपड़े ख़राब कर देंगे तो इससे अच्छा यही है कि नहाने से पहले ही क्यों ना मैं खेल लूँ होली तो ये भाभी अपने दरवाजे से देख रही थी उधर वाली भाभी अपने दरवाजे से गई तो भाभी ये जो सामने वाली बड़ी मम्मी की बहू है ना जब गई तो भाभी कह रही अभी क्यों चली आई है दीदी दोपहर में खेलना था मैंने कहा मैं दोपहर में नहा लूँगी फिर बच्चों को नहलाना है फिर मत खेलो ना अभी होली ख़त्म हो गई कहीं नहीं अभी तो होली खेलना है भाभीयों ने तो परेशान कर दिया था मैंने सोचा कि अब नहीं खेलूंगी फिर अब भाभियां हैं बोली है तो मुझे आना ही पड़ेगा तो फिर भाभी के साथ आई आई तो भाभी क्या कर रही थी पकौड़ियाँ खा रही थी फिर बोल आ गई मैं भी दीदी पकौड़ियाँ खा लीजिए मैंने कहा नहीं अभी मैं बहुत होली भी खेली हूँ बच्चों ने मुझे बहुत रंग भी दिया है भीग भी गई हूँ बस आप सबके साथ होली खेल के चलती हूँ सीधे नहाने के लिए और हमारे यहाँ ऐसे ही गाँव में होलियाँ मनाई जाती है और आप सभी को पता ही है मेरे ब्लॉग के थ्रू आप सभी ने देखा तोर चले है ना खूब पहन के कितना पहन गए चालत नहीं बन देखा भी आप लोगों ने कि हमारे गांव में कैसे भी होली खेलते हैं और मेरा मायका और ससुराल दोनों गांव हैं आप सभी ने देखा तो यहाँ पे जीजा जी को ले डाला इन लोगों ने मजा आ गई थी वो जीजा जी को मतलब ये माही के पापा हैं
और ये दोनों सालियां मिलके ना इनको रंग दी है। बाहर गए थे कहीं और वहां से आ रहे थे अंदर और ये इन लोग पहुंच गए लेके रंग और रंग दी खूब जीजा को। तो अभी ने रंग डाल दी है और अभी भाभी बची हैं, भाभी नहीं डाली। भाभी कह रही है अभी मुझे भी खेलना है जीजा जी से। तो ये ना बैठ गए, तीनों ने कहा अभी ये भी लगाएंगी, मेरी जो सरहज बची है ना वो भी लगाएंगी। तो इससे अच्छा है यही है कि मैं अभी मैं नहीं नहाऊंगा, थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। फिर भाभी भी आ गई इनको डालने के लिए कलर और अभी ये लोग ना खराब हो नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, नाली नाली हो गई। जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा, हम नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। होली है बुरा नमाना, होली है बुरा नमाना, होली है। ये देखिए भाभी कलर खेल के और कैसे भीगी खड़ी हुई है। तो अभी देखिए दोपहर के बज गए हैं, 1 बजने वाले हैं, 8 मिनट बाकी है। और मैंने कल का ब्लॉग जो ख़त्म किया था ना, मैंने सोचा बस यहीं से एंडिंग कर देती हूँ, अब होली का जो ब्लॉग है ना वो शूट नहीं करूँगी। लेकिन मैंने शूट किया क्योंकि आप लोगों ने बोला था, मेरी 2-3 बहनों ने बोला होली का जो ब्लॉग है वो कम से कम 30 मिनट का शेयर कीजिएगा। तो 30 मिनट का ब्लॉग शेयर करने, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ब्लॉग और इतनी MB भी नहीं होती है फ़ोन में। मैंने कभी भी 20 मिनट 30 मिनट का कोई भी एक ब्लॉग, मेरा एक भी ब्लॉग नहीं होगा मेरे इस चैनल पे 20-30 मिनट का। तो MB भी नहीं होती है ना, ख़त्म हो जाती है MB। 15-10 मिनट में का एक ब्लॉग शेयर कर पाती हूँ, मतलब अपलोड कर पाती हूँ, कभी कभी 2 कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता है। रिप्लाई करने में और कुछ और काम होते हैं वो करने में MB ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैं थोड़ा सा लेटी थी नहा धो करके, आराम, हाथ पैर पूरा दुखने लग गया था, मतलब गोली के चक्कर में जैसे बुखार सा आ गया था नहाने के बाद। फिर खाना पीना खा के लेटी थी और फिर मैंने सोचा आपसे भी थोड़ी सी बातें कर लूँ। जा रही हूँ दीदी लोग के पास जिनसे अभी होली खेल रही थी, क्योंकि बड़ी मम्मी यहाँ थी ना, तो अभी मम्मी के यहाँ बैठी हूँ, बाबू सो रहा है। जा रही हूँ दीदी लोग के पास क्योंकि वो लोग निकलने वाली हैं, दीदी लोग निकलने वाली हैं। उनकी गाड़ी ये देखिए खड़ी है, उनकी खुद की गाड़ियाँ हैं। तो अभी जा रही हूँ उन्हीं से, मैंने सोचा थोड़ा सा आप सभी से बातें कर लूँ। तो इधर तैयारियाँ होने लग गई है दीदी लोग के जाने का। और ये दीदी और दोनों दीदियाँ हैं, एक है मामी जी और दोनों जीजा जी हैं, एक मामा जी हैं, इनके बच्चे हैं। तो सारे बच्चे भी तैयार हो चुके थे, दीदी लोग भी तैयार हो चुकी थे, जीजा लोग अभी ले जा रहे हैं। वहाँ सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी है ना, तो पैकिंग वगैरह इनकी हो गई है, सारी पैकिंग वगैरह हुई थी। क्योंकि जब से ये लोग घर से अपने निकली है ना, जबलपुर से आई हुई हैं ये लोग। और ये बड़ी मम्मी जो है ना, इनका मायका जबलपुर है, तो वहीं से दीदी क्या जो मेरी दीदी है ना, बहुत बहुत अच्छी हैं। और जीजा जी, इनकी फैमिली, मामी जी, सारी पूरी फैमिली इतनी स्वीट है ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी फैमिली है। मेरे जो दो मेरे जो प्यारे प्यारे जीजा थी ना, जीजा जी बहुत बहुत अच्छे थे। मतलब इनका स्वभाव ना, मतलब ज़्यादा बोलते बिल्कुल भी, मजाक वगैरह कुछ भी नहीं कहते, इतने सीधे बोधे हैं ना, कुछ भी बोलो कुछ भी। हम सब बहने थे, बड़ी मम्मी की 5-6 लड़कियां थी, मैं थी, ये दीदी सामने जो खड़ी है ये थी, सब लोग कुछ भी कह के हंसते थे, कभी जीजा बोलते नहीं थे कुछ भी नहीं। इधर बड़े पापा खड़े हैं, उधर बड़ी मम्मी गई हैं। और इनकी ना सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, तो इन सबको कहीं और निकलना है। प्लानिंग पहले से यही थी कि आ जाएंगे मौसी के यहाँ, तो रूबी तुम भी आ जाना। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगी मैं भी। तो पिछले कई दिनों से पापा की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं इसीलिए नहीं आ रही थी कि दीदी से मेरी मुलाकात नहीं होगी। छोटे से बच्चों को लेकर मैं बार बार आ जा नहीं सकती, तो मैंने सोचा जब दीदी आ जाएगी तभी जाऊँगी, तो मेरी होली भी हो जाएगी, दीदी लोग से मुलाकात भी हो जाएगी, पापा को भी देख लूँगी। तो ये जो मूवमेंट चल रहा है अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, ये ब्लॉग बहुत स्पेशल है मेरे लिए, हमेशा यादगार बनी रहेगी ऐसा ये ब्लॉग है। क्या हुआ मम्मी? और 2 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी
पड़ने लगी है इतनी ज्यादा गर्मी। जब होलिका दहन होता है ना, तो होलिका दहन के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती हैं, कंडी वगैरह बहुत सारी। तो हमारे यहाँ जो होलिका, ये मामी जी हैं जो सामने खड़ी हैं, उधर दीदी की देवरानी खड़ी है और ज्योति दीदी, इधर भैया बैठे हैं मेरे भैया, और उधर मैं बैठी, उधर पीछे बड़ी मम्मी खड़ी हैं, इधर ये ज्योति दीदी हैं। तो होली का दहन होता है ना, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होली खड़ी की जाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी, बहुत बड़ी सी। तो आग लगने की वजह से शायद, मेरा अनुभव ऐसा कह रहा है कि आग लगने की वजह से शायद इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, अचानक से इतनी गर्मी हो गई है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग कंबल ओढ़ते थे घर में थे तो, और आने के बाद यहाँ पे इतनी गर्मी। सभी यही बोल रहे हैं कि जो आग लगी है ना होली में, होली का दहन हुआ है ना, इसकी वजह से इतनी गर्मी पड़ने लग गई है। तो देखिए, सब जो सामान वगैरह था दीदी लोग अपना रखवा ली हैं गाड़ी में, गाड़ी उधर सड़क पे ही खड़ी है, तो हम लोगों को वहीं पे चलना है। सब लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, तो अभी चलते हैं हम सब और उधर ही चलते हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा इस ब्लॉग को मैं ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि ये जो ये ब्लॉग है ना, यादगार बनेगा। और इतनी दूर से आना जाना नहीं होता है, समझते हैं आप सभी कि सबके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सबके पास इतने काम होते हैं, तो ये अनमोल पल है ना, वो बार बार नहीं आता है। ये अनमोल पल खुशियों का जो दिन है ना, ये जो ब्लॉग चल रहा है ना, ये बार बार नहीं आता है। तो मुझे लगा मुझे ये ब्लॉग शूट करना है। जीजा जी बोल रहे थे, हंस रहे थे जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तो हंस रहे थे, क्या कर रही हो, क्या दिखा रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं जीजा जी, आप अपना काम कीजिए। उन्हें लगा कि ये ब्लॉग, उन्हें पता था जीजा की ये वीडियो बना रही है। मैंने कहा कुछ नहीं। और ये बुआ जी हैं, देख रहे हैं आप सभी इनको, ये ना कल होली नहीं खेली थी, आज मैं इधर से जा रही थी तो पीछे से मेरे ऊपर पानी डालने लग गई थी कि आज कल होली नहीं खेली हो मेरे साथ, आज खेलना। मैंने कहा अरे बुआ आप मत डालो पानी मेरे ऊपर, नहा ली हूँ, फिर भी जबरदस्ती मेरे ऊपर डाल ही दी है। हम लोग 21 साल में नहीं आएंगे, तुम लोग तो 5-6 साल में भी ना नहीं आएंगे। इनको कहीं बोलो तो ना जाती है, जाते नहीं ना भाई, लंदी कहूं घर ही नहीं छोड़ के जाती। ये ले आओ, अबे ना फिर वीडियो में आ जाए। तो अभी देखिए हो चुका है सारा कुछ और आ गई है विदाई का समय। थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी अंदर से मैं कि बहुत दिन बाद हम लोग मिले थे। तो कल रात को ही आई थी दीदी से, और दीदी रात में बोल भी रही थी यहीं पे सो जाओ, तो बाबू की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी तो इसलिए मैं नहीं लेटी थी। हालांकि सुबह से मैं दीदी के पास ही थी, तो ये जो अनमोल पल है मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे कैद किया। और मस्ती भी यहाँ पे चल रही थी दीदी के साथ, मेरी मस्ती भी यहाँ पे चल रही थी। दीदी बदल के तो अभी हो चुकी है शाम, और आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए ब्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।